गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4 और कि हम निकल रहे हैं सिडनी के लिए। सिडनी यहाँ से करीब 10 से 12 घंटे की दूरी पे है। सो आज जाके वहाँ पे रेस्ट करके फॉर नेक्स्ट 5 डेज हम लोग सिडनी में ही होंगे। कोशिश करेंगे कि आप सभी को भी वो जगहें अपने साथ साथ दिखाएं। थोड़ा बहुत मैंने होमवर्क किया है, कौन सी जगहें ऐसी हैं जो घूमनी चाहिए, कौन सी ऐसी जगह हैं जो मेजर अट्रैक्शंस हैं। निकलने लगे हैं, सब रेडी हो रहे हैं। सो एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर मी। मेलबर्न से सिडनी का जो सफ़र है वो करीब 10 घंटे का है, लेकिन अगर आप हॉल्ट लेके चलते हैं तो 12 घंटे तक भी लग सकते हैं। सिडनी जाते हुए आपको रास्ते में कैनबरा से निकलने का मौका भी मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन कैपिटल है। तो चलिए मिलते हैं आपसे सिडनी पहुंच के। लगभग 7 से 8 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाने चाहिए। बाय। तो भाइयों, हम पहुँच चुके हैं सिडनी और इस वक्त टाइम हो रहा है 5:00 और शाम को 6:15 के आसपास हम निकले थे और 5:00 पहुँचे। ज़्यादा ही थके हैं, सो अभी बस होटल में चेक इन करने के लिए गए हैं। तो आई थॉट कि तब तक मैं अपडेट कर देता हूँ कि हम पहुँच गए हैं। सो अभी हमने स्टे किया है मेन सिटी में और होटल का नाम है नोवोटल। अभी चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करके फिर दिन में घूमने के लिए निकलेंगे। 2000 years later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस वक्त टाइम हो रहा है दिन के 12:15 और हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। सो सुबह काफ़ी लेट हो गए थे, 6:30 बज गए थे सुबह के होटल में चेक इन करके रेस्ट करते हुए। सो ऐसा कुछ व्यू है आज बाहर सिडनी का। हम 18th फ्लोर पे हैं इस वक्त अपने होटल के। तो सो हमारे होटल की जो बेस्ट बात है ना, वो ये है कि वो एकदम सिटी सेंटर में है, जिसके कारण हर जगह के लिए कनेक्टिविटी बहुत इजीली मिल जाती है। मोर ओवर आज मौसम थोड़ा ख़राब था, तो इसलिए हम लोग जो फर्स्ट प्लेस विजिट करने जा रहे हैं वो है सी लाइफ एक्वेरियम, जो यहाँ का बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। तो ठीक है, लाइन बहुत लंबी थी, हम पहुँच चुके हैं, फटाफट से एंट्री कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अंदर एंटर करके। एकदम नीचे जाएंगे और फिर सी लाइफ देखेंगे कैसी दिखती है। बिल्कुल नीचे से जाके बिग एक्वेरियम है नीचे एक, जिसमें अलग अलग प्रकार की फिशेज हैं। नाम नित्सा। तो भी आप लोगों ने जो स्टिंगरे वाली क्लिप देखी है उसमें हम ठीक इसी पूल के नीचे खड़े हुए हैं और सारी मछलियां और वाटर हमारे ऊपर है। Guys, do keep on moving on the left side. You need to hook into this side, so if you're going to take video. It's because when the males and the females mate, it's not exactly roses and charm. It's
a little bit sort of, you know, hands on. Or in their case, teeth on, so it's quite violent. And depending on which side they come from, you've got two shots. And now it's back to what's happening. Okay. Wow. Penguin. Not penguins. Penguins. Kelly bunnies. Keep your eyes peeled, guys. We've had reports of a cop. There is an open up and I had a spot. There is an attempt. Can you see the penguins? Look at the penguins. Madame Tussauds, Sydney. Very ancient. हेलो एवरीवन, सो इस टाइम हम लोग हैं सिडनी हार्बर पे। बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैं। ये सीबीडी है यहाँ का, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जिसको, जहाँ पे कि मेन मेन सभी कंपनीज, आई मीन शोरूम्स, मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट, ऑफिसेस, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सो जितनी भी क्रूज़ पार्टीज़ होती हैं, जितने भी क्रूज़ जाते हैं, वो सब यहाँ से जाते हैं। ये देखिए क्रूज़ खड़ा है यहाँ पे, अमेजिंग है, बहुत ही बड़ा है। बिल्डिंग्स देख लो, एक से एक बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। सिडनी वन ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे
जो भी होता ना इतना मैंने देख लिया है कि बड़े लेवल पे ही हो रहा है। मेलबर्न भी काफ़ी बड़ी जगह है लेकिन वहाँ पे हार्बर इतना बड़ा नहीं है। यहाँ का हार्बर काफ़ी बड़ा है, कैप्टन कुक क्रूजेस, वाह। और यहाँ का क्राउड भी डिफरेंट है, सो देख के पता लग रहा है मेलबर्न और सिडनी के क्राउड में जो डिफरेंस है वो। सो इस वक्त हो रहे हैं शाम के 6:30 और वीकेंड है तो इसलिए क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। सो भाई सी लाइफ और मैडम तुसाद्स कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मन नहीं कर रहा था बाहर आने का लेकिन उनका टाइम ख़त्म हो गया था सो उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया। अब हम लोगों ने फेरी की टिकट्स ले ली हैं ताकि हम एक हार्बर का राउंड लगा सकें फेरी पे। सो जो फेरी यहाँ से चलेगी वो हमें दिखाएगी हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस के पास जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है वो भी दिखाएगी बाहर से। और आपको हार्बर ब्रिज का मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि हार्बर ब्रिज का जो आर्क है आप उसके ऊपर भी वॉक कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली आप एक एंड से स्टार्ट करके उस आर्क को कवर करके दूसरे एंड तक जा सकते हैं जिसमें लगभग 5 से 6 घंटे का अप्रॉक्सीमेट टाइम लगता है ना, इंटरेस्टिंग बात। चलो तो आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सिडनी ओपेरा हाउस की जो भी कूलिंग होती है वो सी वाटर के थ्रू होती है जो कि डायरेक्टली लिया जाता है हार्बर से। तो ये है हमारी फेरी का लास्ट पॉइंट जहाँ से ये वापस घूमेगी। और सामने जो आप पार्क देख रहे हैं ये कि बहुत ही बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है जिसका नाम है ल्यूना पार्क। इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड कई जगह ब्रांचेस और भी हैं। तो फिर यहाँ से हमारी फेरी एक यू टर्न लेगी और हमें हमारे डॉक पे उतार देगी। जस्ट हमारे ऊपर आप देख सकते हो हार्बर ब्रिज दिखाई दे रहा है। सो ठीक है चलिए वापस चलते हैं डॉक की तरफ। सो फेरी से उतरने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल के लिए। आई होप आपको सिडनी व्लॉग का ये पार्ट पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सोल ड्रोवर। बाय बाय।